पेंड्रा के सरकारी स्कूल में सीबीएसई माध्यम से संचालित स्कूल में पढ़ाई करने वाले पहली से आठवीं तक बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है। शासन ने अब इस स्कूल को बंद करने का निर्णय ले लिया है, जिसे लेकर पालकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। दरअसल पेंड्रा के पुरानी बस्ती स्थित शासकीय सरकारी पारा स्कूल में 5 साल पहले सन 2018 में शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला में सीबीएसई पाठ्यक्रम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2022-23 से कक्षा पहली व कक्षा आठवीं में सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई हेतु प्रवेश बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब पांचवी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश सत्र 2023-24 में कहां दिया जाएगा यह अभी तय अस्पष्ट है, जिसे लेकर इस स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के परिजन बच्चों के आगे की पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित हैं, जिसे लेकर परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और उचित निर्णय लेने की मांग की। क्या है, हमारे बच्चे जो है शासकीय प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो कि सीबीएसई पैटर्न है, वो क्लास 1 से 5 तक वहाँ एडमिशन हुआ था पहले, और 6वीं 7वीं 8वीं भी संचालित है, किंतु अब वो स्कूल धीरे धीरे बंद हो रही है। कक्षा पहली में प्रवेश बंद कर दिया गया है और 5वीं के जो बच्चे हैं उनको 6वीं में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो 6वीं से बच्चे अब सीबीएसई पैटर्न में जो पढ़ाई कर चुके हैं वो किस स्कूल में पढ़ाई करेंगे, इसके लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जो अपने यहाँ संचालित है वहाँ पर सीट खाली नहीं है, ऐसे करके जानकारी मिली है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय का अवगत कराया गया है, तो मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बच्चों के भविष्य के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। सभी 34 क्या सरकारी पारा स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ 34 बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि स्कूल को 5वीं के बाद बंद किया जा रहा है और उनके समय एडमिशन के लिए इधर सजेस स्कूल में सीट नहीं है खाली करके उनका भविष्य को अंधकार में किया जा रहा है। इसलिए हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे कि मैडम से अर्जी करके कि कम से कम 34 बच्चों का भविष्य को उनका एडमिशन किया जाए। सरकारी पारा जो पेंड्रा पुरानी बस्ती के पास में है वहाँ पर कक्षा पहली से पांचवी तक का प्राइमरी मिडिल स्कूल प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल अंग्रेजी माध्यम का सीबीएसई पैटर्न का स्कूल संचालित है और वहाँ पर टोटल कुल मिला के 155 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और कक्षा पांचवी में जो बच्चे हैं 34 है, जिनकी संख्या 34 है, वो कक्षा पांचवी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं के प्रवेश के संदर्भ में जो सामने दिक्कत आने वाली है उसी की बात को देखते हुए जो है आज हम कलेक्टर मैडम के पास अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर आए थे। इस संबंध में मुझे जो जानकारी है कि 2018 में शासन के निर्देशानुसार इंग्लिश मीडियम स्कूल एक ब्लॉक में खोले जाने के तहत सरकारी पारा में पहली क्लास एवं 6वीं क्लास की शुरुआत जो है की गई थी और विगत दिनों में क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल का विकल्प जो है अब इस जिले में मिल गया है, तो ये जो पास आउट 5वीं क्लास के बच्चे हैं और 8वीं क्लास के बच्चे हैं इनको अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की जो है बात चल रही है। इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, निश्चित रूप से हम उनको स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश दिला करके उनका अध्ययन अध्यापन को निरंतर जारी रखने का जो है प्रयास किया जा रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।